हैज उस खून को कहते हैं जो खवातीन को हर माह मुकर्ररा औकात में किसी सबब के बगैर अज खुद आता है, यानी एक फितरी तरीका है। निफास वो खून है जो औरत के रहम से बच्चे की विलादत के वक्त और उसके बाद कमोबेश 40 रोज तक खारिज होता है। याद रहे कि शरीयत में हैज और निफास के अहकाम एक जैसे हैं। हैज के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं, किसी माह कम किसी माह ज्यादा दिन हो सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की आदत मुख्तलिफ हो सकती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज आए तो नमाज छोड़ दो और जब खत्म हो जाए तो गुसल कर लो और नमाज पढ़ो। इसे नसाई ने रिवायत किया है। हालत हैज में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं, यानी जिस्म इसमें कोई बजाहिर नापाकी नहीं होती। मसलन हाथ पाक है, अगर औरत आटा गूंदना चाहे तो आटा हाथों से नापाक नहीं हो जाएगा। अगर पानी पिए तो उसका बचा हुआ पानी नापाक नहीं होगा। अगर किसी चीज को छू ले तो वो चीज नापाक नहीं होगी। जिस बिस्तर पे सोती है उस बिस्तर को धोने की जरूरत नहीं, जो कपड़े पहनती है उन कपड़ों को धोने की जरूरत नहीं, इल्ला ये कि कोई जाहिरी नजासत साथ लग जाए। हैज की हालत में औरत का बोसा लेना जायज है। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से बोसों के नार फरमा लिया करते थे, हालांकि वो हालत हैज में होती। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हाइजा से सोहबत करना मना है, यानी इंटरकोर्स मना है। गुसल से पहले हाइजा से सोहबत करना मना है, खा अय्याम हैज की मुद्दत कम हो या ज्यादा। दौरान हैज सोहबत करने का कफारा 1 दीनार 4 ग्राम सोना है, जबकि हैज खत्म होने लेकिन गुसल से कबल सोहबत करने का कफारा निस्फ दीनार 2 ग्राम सोना सदका करना है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हायजा से सोहबत करे या औरत से दुबर के रास्ते से सोहबत करे, अमल कौम लूत की तरह, या नजूमी के पास किस्मत का हाल मालूम करने आए, तो उसने गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा तालीमात का इनकार किया। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज से कबल अपनी बीवी से सोहबत करने वाले आदमी के बारे में फरमाया कि वो 1 दीनार 4 ग्राम सोना या निस दीनार 2 ग्राम सदका करे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इससे दरअसल औरत के हुकूक को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि औरत इस हालत में बीमारी के ज्यादा करीब होती है सेहत की निस्बत, और कई किस्म की मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का भी इहतमाल हो सकता है दोनों के लिए, इसलिए मना किया गया। और सदका इसलिए रखा जाता है ताकि इंसान इस डर से कि पैसे जाएंगे, क्योंकि पैसे का जाना ज्यादा तकलीफ देह होता है बाज़ुकात, या पेनल्टी या जुर्माना या फाइन कह लें, तो इसलिए ये एक तरह से रोकने का सबब बनाया गया। हाइजा तवाफ के अलावा बाकी सारे मनासिक हज अदा कर सकती है। बाकी मनासिक हज क्या है? मसलन एहराम पहनना, इसी तरह अरफात जाना, मिना जाना, कंकरियां मारना, ये तमाम चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन तवाफ नहीं हो सकता। शुरू में सही हो सकती थी, लेकिन चूंकि अब वो मस्जिद का हिस्सा हो गई है इसलिए सही करना भी दुरुस्त नहीं। हाइजा नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती, यानी ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती। तो अब कितनी चीजें मना हो गई? तवाफ, नमाज, रोजा। हैज शुरू होते ही रोजा खत्म हो जाता है, खास सूरज गुरूब होने से एक लम्हा ही पहले क्यों ना आए। हैज की वजह से रोजा खत्म होने के बाद खाना पीना जायज है, अलबत्ता रोजा की कजा जरूरी है। हाइजा के लिए रोजा की कजा है, नमाज की नहीं। हमारे आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है ना कि अगर पीरियड्स आ भी जाए तो रोजा नहीं तोड़ना चाहिए और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, उस दिन का हो जाता है। ये ख्याल गलत है। दूसरा ये कि ये कहा जाता है कि चले अगर नहीं खाए पिएंगे तो रोजे का सवाब मिल जाएगा, ऐसी भी कोई बात कहीं नहीं लिखी हुई। जब रोजा हुआ ही नहीं तो सवाब काहे का मिला? नापाक हालत में रोजा रखने का ये सवाब है, उल्टा गुनाह है। यानी नापाकी में किसने रोजा रखने को कहा? और जब रोजा ही नहीं तो खाना पीना क्यों हराम कर लिया अपने ऊपर? ये दीन में खुद साख्ता पाबंदियां हैं। बहुत से लोग ऐसा औकात औरतों को प्रोवोक करते हैं ये कहकर, देखो इस्लाम ने तुम्हारे साथ कैसी ज्यादती की, और इस्लाम में तो औरत को कोई हैसियत ही नहीं दी गई, उसके दीन में भी नक्स बताया गया। तो नक्स और नुकसान कमी के लिए है, किसी ऐब और खराबी के लिए नहीं। अब आप देखिए कि नमाज में तो कमी होती है, लेकिन उस वक्त में जो तकलीफ की या अजियत की कैफियत होती है
उसका सिला भी मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया ना ये, तो जो चीज अल्लाह ताला की तरफ से आती है उस पर इंसान सब्र करे, जैसे बाजू को पेन बहुत है या कोई और ऐसी कैफियत है, तो ये ऐसे हालात में सब्र करना जो है वो अजर का सबब है। अगर इधर से कमी हुई तो उधर से बढ़ भी गया अजर, ठीक है। दूसरी बात ये कि कमी से मुराद नमाजों की तादाद में कमी है, जिसको आप बाद में आम हालात में नफल वगैरह पढ़ के भी पूरा कर सकते हैं, या फिर ये कि कमी से मुराद इस एतबार से कमी भी है कि एक मसलन तहज्जुद की रूटीन आप बनाते हैं, या नमाजों में खुशू खुजू की रूटीन बनाते हैं, एन अभी आप उस हालत में होते हैं कि नमाज छूट जाती है, अब क्या हो गया। ना सिर्फ ये कि वो चंद दिन नमाजों की कमी हुई, बल्कि दोबारा एक अच्छी हालत में आने के लिए, दोबारा से नई आदत बनाने के लिए फिर एक मुश्किल पड़ जाती। तो बाज़ औक़ात लोग नमाज ही छोड़ देते हैं, वो मुश्किल आदत पड़ने लगती है कि छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी होते ही फिर छुट्टी कर ली जाती है साथ। तो ये एक इंसानी नफ्सियात भी है। इससे फिर दीन में पीछे रहने का अंदेशा होता है। ये बता के अलार्म किया गया है, ना कि कोई ऐप बताना मकसूद है, कि अगर आपको ये बताया जाए कि आपके बिजनेस में या फलां चीज में कमी हो जाती है इस चीज से, तो आप क्या सोचते हैं, बिजनेस छोड़ दो, काम ही छोड़ दो? नहीं, आप सोचते हैं अच्छा उस कमी को फिर और कहां से पूरा करूं। किसी भी चीज में जब किसी भी चीज की कमी का सबब बनता है और उसको बताया जाता है ये कमी होने लगी है, मसलन अगर किसी को बताया जाए कि मार्केट में फुला प्रोडक्ट नहीं आ रही है जिसकी वजह से फुला फुला की सेल पर असर पड़ जाएगा और एकदम कमी होगी, बिजनेस डाउन होगा, तो इंसान मायूस होकर बैठ नहीं जाता, बल्कि कुछ और स्ट्रगल शुरू करता है कि किसी और तरीके से कमी पूरी की जाए। तो यहां भी जब यह बताया गया कि मैं नुकसान दीन है, तो इसका मतलब यह है कि इस कमी को किसी और तरीके से पूरा किया जाए, ये एक खैरखाही भी हो सकती है। अगर कोई औरत रमजान में फजर की अजान से पहले हैज से पाक हो जाए और गुसल का वक्त ना हो, तो पहले रोजा रख कर बाद में गुसल कर सकती है। लेकिन अगर अजान के बाद पाकी हुई है, यानी बाद में भी स्पॉट लगा है, और सूरज निकलने के बाद आप पाक हो रहे हैं और नहा रहे हैं और रोजा आप सुबह से रख चुके हैं, तो वो रोजा नहीं होता। कपड़े पर हैज के खून का दाग लग जाए तो इतनी जगह धोकर उसी कपड़े पर नमाज अदा की जा सकती है। हाइजा के लिए मस्जिद में ठहरना जायज नहीं, अलबत्ता गुजर सकती है। हालत हैज में जाय नमाज को हाथ लगाना, जाय नमाज पर बैठना, जिक्र करना और तस्बीह और तहलील नेज दुआ वगैरह करना जायज है। बाज़ोकत लोग तस्बीह नहीं उठाते या जाय नमाज नहीं उठाते, तो ये बात दुरुस्त नहीं। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह लाएं, ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें, अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज न पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ईद के मौके पर नमाज के लिए सबको निकलने का हुक्म दिया गया, जिसमें हैज वाली और पर्दा नशीन औरतों को भी कहा गया कि निकलें, जो कभी नहीं निकलती वो भी निकलें, ताकि मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें, अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। तो इससे क्या पता चलता है कि ईदगाह तक जाना, वहां बैठना और दुआ में शरीक होना ऐसी औरतों के लिए भी जायज है। हैज का खून न लगे तो हायजा के कपड़े पाक रहते हैं, जिन्हें धोए बगैर नमाज पढ़ी जा सकती। हायजा का दुपट्टा या चादर ओढ़कर दूसरी औरत नमाज पढ़ सकती। हैज से पाकिजगी हासिल करने के बाद अगर खाकी यानी ब्राउन या जर्द यानी येलोश पानी खारिज हो, तो दोबारा गुसल करने की जरूरत नहीं। हैज से पाकिजगी हासिल करने के लिए बेजा उजलत और बेजा ताखीर दोनों से काम नहीं लेना चाहिए। बेजा उजलत का क्या मतलब है कि अनड्यू जल्दी, यानी है कब पाक होगी, कहीं नमाज ना चली जाए, कहीं रोजा ना चला जाए, अच्छा नहा ली फिर देखा कि अभी तो नहीं पाक हुए, फिर नमाज छोड़ दी, फिर रोजा तोड़ दिया, फिर नहा लिया, तो ये खेल नहीं बनाना चाहिए इसको। इसी तरह बेजा ताखीर के पाक भी हो चुके हैं लेकिन नहा ही नहीं रहे, मैं सुस्ती के मारे कि अच्छा एक दो नमाजें और छोड़ लें, आराम कर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्ल हैज में ताखीर होने पर कजा नमाजें अदा करना चाहिए, यानी अगर किसी वजह से पानी खत्म है, पानी नहीं है, या कहीं सफर की हालत में है कि टाइम पे नहीं पहुंचे आप कि नहा सके, या कोई वजह बन गई, इन्हें जानबूझ के नहीं हो गया ऐसे, तो फिर क्या है, जब नहा चुके तो पिछली नमाज लौटाएं। मुस्तहाजा हस्ब आदत अय्याम हैज के बाद गुसल करके नमाज पढ़ें। मुस्तहाजा कौन होती? हैज के अलावा जो ब्लीडिंग होती है बीमारी के तौर पर, वो इस्तहाजा कहलाती है। इन सारा महीना स्पॉटिंग होती रहती है,
तो उसमें क्या है कि जो हैज के अयाम है जिन में ब्लीडिंग फर्क हो जाती है, उसमें थिकनेस है या उसकी और अलामात मालूम होती हैं, या इस बीमारी के शुरू होने से पहले अयाम हैज की जो डेट्स थी या जो आदत थी उसके मुताबिक नहा ले और बाकी दिनों में नमाज पढ़ती रहे, खा स्पॉटिंग होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मुस्तहाजा गुसल करके नमाज पढ़े खा उनकी एक घड़ी बाकी हो, मसलन सूरज गुरूब होने में 5 मिनट है और अब वो नहा कर निकली तो पढ़े असर। जब औरत नमाज अदा कर चुके तो फिर शोहर अपनी बीवी से सोबत कर सकता है क्योंकि नमाज अफजल है, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हाजा पाकिजगी की हालत में जिस नमाज के अव्वल या आखिर वक्त में से एक मुकम्मल रकत अदा करने का वक्त पाले उस वक्त की कजा नमाज उसे अदा करनी चाहिए। मसलन जोहर की अजान हो चुकी, आधा घंटा गुजर गया, आप नमाज पढ़ने जा रहे थे, पता चला पीरियड्स हो गए, अब नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन चूंकि वक्त नमाज का दाखिल हो चुका था इसलिए ये नमाज आपकी जिम्मा हो गई, अब जब आप पाक होंगे तो ये नमाज दोहराएंगे। और इसी तरह अगर असर का वक्त मसलन खत्म होने से आधा घंटा पहले पाकी हासिल की, अब नहाने में 20 मिनट लग गए, 10 मिनट बाकी हैं और जितनी देर में मुसल्ला बिछाया मगरिब की नमाज हो गई, बाज़ोगत ऐसा ना सर्दी होती है दरवाजे बंद करते जाए नमाज बिछाते करते टाइम हो जाता है, इतने में अजान होगी, अब मगरिब पढ़ के क्या करे, असर कजा पड़े। हाइजा को मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करना मना है, अलबत्ता एक एक आयत तोड़कर पढ़ सकती है यानी बीच में सांस ले सकती है, और ये हदीस नहीं है, बहरहाल इब्राहिम नखई का कौल है। हजरत इब्राहिम नखई कहते हैं कि हाइजा कुरान मजीद की एक आयत पढ़ ले तो कोई हरज नहीं, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। यानी इस मामले में उलमा और फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है, बास कहते हैं कि आयत में सांस ले ले बीच में कट्ठी ना पढ़े, और बास ये कहते हैं कि अगर पढ़ ले तो हरज कोई नहीं है क्योंकि किसी सही हदीस में मना नहीं किया गया, एक रिवायत मिलती है मगर वो ज़ईफ है। हाइजा कुरान मजीद को हाथ ना लगाए, अगर पकड़ना जरूरी है तो कपड़े से पकड़ना चाहिए, यानी अरबिक टेक्स्ट जो है उसको टच नहीं करें। शौहर की इजाजत से हैज लाने या हैज रोकने की अद्वियात इस्तेमाल करना जायज है। दौरान हैज बीवी को तलाक देना मना है।